मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब इसी के साथ और एक सूत्र जोड़ देता हूं, यही पानी को कभी भी खड़े होकर ना पिए, हमेशा बैठ कर पिए। कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए, हमेशा बैठ कर पानी पिए। वैसे तो हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं वो बराबर हमें टोकते हैं, बैठ के पानी पी, खड़े खड़े मत पी। तो बुजुर्गों ने जो हमें ज्ञान दिया है वो कुछ यही ज्ञान है जो अष्टांग हृदय जैसे शास्त्रों में, पानी कभी भी खड़े होके ना पिए, बैठ के पिए। अब आप बोलेंगे खड़े होके पीने में और बैठ के पीने में क्या अंतर है? बात सीधी सी ये है, जब आप खड़े होते हैं, स्ट्रेट सीधे खड़े होते हैं, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपके शरीर पर जहां केंद्रित है वो स्थान अलग है। और जैसे ही आप बैठ जाते हैं, मेरी तरह आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा हूं, तो ये गुरुत्व केंद्र का स्थान फिर बदल जाता है। हम जब बैठी हुई स्थिति में होते हैं तो विज्ञान ये कहता है, आधुनिक विज्ञान, कि गुरुत्व केंद्र हमारी नाभि पर है। पृथ्वी में आप जानते हैं गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो गुरुत्व बल का केंद्र नाभि पर होता है जब हम बैठे हुए होते हैं। जैसे ही हम खड़े होते हैं वो गुरुत्व केंद्र खिसक जाता है, वो नाभि से अलग रह जाता है। नाभि आप जानते हैं पूरे शरीर का केंद्र है, पूरे शरीर का केंद्र नाभि है। अब नाभि के ही नजदीक है जठर, जहां पर सब कुछ चीज जाती है। तो नाभि अगर गुरुत्व केंद्र के प्रभाव में है तो जठर भी उसके नजदीक होने के कारण गुरुत्व केंद्र के प्रभाव में है। तो बैठे हुए पानी पीने की स्थिति में वो पानी बहुत जल्दी शरीर में हजम होगा, पचेगा, क्योंकि गुरुत्व केंद्र काम कर रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है हमारे जठर पर नाभि के नजदीक होने के कारण। उस स्थिति में आप जब पानी पिएंगे तो वो पानी के बारे में सरल शब्दों में कहता हूं, वो जल्दी पचेगा और हजम होगा। पानी भी पचता, आप जानते हैं कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं कि लोगों को पानी भी नहीं पचता, जैसा पीते हैं या तो गुदा द्वार से निकल जाता है या मूत्र द्वार से निकल जाता है, बड़ी तकलीफ की स्थिति आ जाती है, पानी पचता भी नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं, कई बीमारी। तो पानी का भी पाचन होता है जैसे भोजन का होता है। तो बैठे हुए पानी, बैठी हुई स्थिति में जब आप पानी पीते हैं तो उसका पाचन बहुत तीव्र है और बहुत लाभकारी है। खड़े होकर स्थिति में पिए हुए पानी का पाचन ना तो तीव्र है ना ही लाभकारी। इसलिए कहा गया अष्टांग हृदय में कि पानी हमेशा बैठ कर पिए, कभी भी किसी स्थिति में पानी खड़े होकर न पिए। अब कोई मजबूरी आ जाए, जैसे कई बार मजबूरी है, आप सड़क पे जा रहे हैं, मान लीजिए बहुत तेज प्यास लगी है, बैठने का कोई स्थान नहीं है आपके पास, अब ये तो मजबूरी की बात है, अब क्या करें? तो इसके लिए भी शास्त्र कहता है कि आप उस मजबूरी की स्थिति में भी पानी अगर पी रहे हैं तो शरीर को थोड़ा झुकाएं, बेंड करें, फॉरवर्ड आगे की तरफ झुके और तब पानी पिए। अच्छा तो ये माना जाता है कि ये एक और ऐसे 90 डिग्री, 90 अंश पर अगर आप बैंड होकर पानी पीते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 90 अंश होना आदर्श की स्थिति है, थोड़ा भी बैंड होकर पानी पीते हैं तो अच्छा है। तब मुझे याद आता है, और आप ध्यान करिए, हमारे यहाँ जो प्याऊ की व्यवस्था है वो ऐसी ही है, प्याऊ जो बनाई जाती है वो झुककर पानी पीने के लिए ही बनती है। प्याऊ ऐसी भी बन सकती है जो सीधे खड़े होकर पानी पिलाते हैं आपको, कैसे बनेगी? जिस स्थान पर वो पानी पिलाने वाला पात्र रखा होता है ना, उस स्थान को ऊंचा क्यों नहीं करते हैं? उस स्थान को हमेशा नीचा किया जाता है और शरीर से नीचा किया जाता है ताकि हमें झुकना पड़े पानी पीने के लिए। इसका मतलब ये है, हमारे लोग बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट। अब आप देखो ना, प्याऊ बनाने वाले और प्याऊ चलाने वाले तो साधारण लोग नहीं है ना समाज के, वो कोई विज्ञान पढ़े हुए लोग नहीं, वो कोई डॉक्टर नहीं है, जो कोई आयुर्वेद के पंडित भी नहीं, लेकिन उनको इतना ज्ञान तो है
कि प्याऊ का पानी पिलाना है तो पात्र जहां रखेंगे वो ऐसा होना चाहिए स्थान के शरीर को झुकना पड़े, इसलिए सभी प्याऊ में हम आगे झुकते हैं, ओट लगा के पानी पीते हैं। तो मजबूरी की स्थिति में आप पानी पी रहे हैं तो झुके और झुककर पानी पिए। वो झुकने का एक ही महत्व का मतलब है विज्ञान के हिसाब से कि गुरुत्व केंद्र आपका नाभि के नजदीक ही रहे पानी पीते समय, बस इतनी सी बात है। तो आप इस बात को जरा सोचना शुरू करिए कि भारत में कोई काम अगर किया गया है तो बड़ा सोच समझ कर लोगों ने उसको किया है। हजारों साल से प्याऊ की व्यवस्था इस देश में चल रही है, आज की स्थिति में भी चल रही है जब पानी 15 रुपए लीटर मिल रहा है, फिर भी इस देश में प्याऊ चलाने वाले हैं और पानी पिलाने वाले। हमारे यहाँ तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े करोड़पति गर्मियों के दिन में अपना काम धंधा छोड़कर पानी पिलाने में रहते हैं। करोड़पति लोगों को देखा है सब जगह, रेलवे स्टेशनों पर मैंने देखा है, शहर के बड़े बड़े लखपति करोड़पति जिनका एक दिन का व्यवसाय धंधा 10 करोड़ का 15 करोड़ का 20 करोड़ का है, वो भी गर्मियों के दिन में धंधा छोड़कर वो लगे हैं पानी पिलाने के लिए, खुद जाते हैं रेल के डिब्बे के एक एक नजदीक और पानी लोगों को पिलाते हैं। उस स्थिति में जब पानी 15 रुपए लीटर बिक रहा है इस देश में, दूध से मिला पानी बिक रहा है इस देश में, तब भी लोग हैं। इसका माने ये है कि भारतीयता मरी नहीं है और संस्कृति खत्म नहीं हुई है, सभ्यता अभी भी जीवित है इस देश की। करोड़पति लोगों को कई बार मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हैं आप, 10 करोड़ का धंधा आपका रोजगार है फिर आप पानी पिलाने में लगे हो। तो उन्होंने कहा भैया सब कुछ इसी दुनिया के लिए नहीं है, आगे की भी दुनिया है, आगे की दुनिया माने मुझे मोक्ष में भी जाना है। ये 10-20 करोड़ 100 करोड़ तो इस दुनिया का है, उस दुनिया में तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, उस दुनिया में तो काउंटिंग होगी मेरे इसी पानी की। मैं ये 100, 200, 500 लोगों को जो पानी पिलाऊंगा इनके दिल से जो दुआएं निकलेगी और मेरे दिल तक पहुंचेगी ये काउंटिंग होने वाली है मेरी दूसरी दुनिया में जब मैं छोड़कर जाऊंगा। ये तो ऊंचाई की पराकाष्ठा है। ये बात आपको अमेरिका में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, यूरोप में भी नहीं मिलेगी, लेकिन अमेरिका में नहीं मिलेगी, ये भारत में ही मिलेगी। तो भारतीयता में कई चीजें बहुत ऊंची हैं, उनमें से सबसे ऊंची चीजों में से एक है पानी पिलाना, प्यासे को पानी, भूखे को रोटी। ये हमारे यहाँ धर्म में भी सबसे ऊंचा है। हम जिसको धर्म मानते हैं, जो धारण करने योग्य है, उसमें हमारे यहाँ प्यासे को पानी, भूखे को रोटी सबसे ऊंचा काम माना गया है। तो करोड़पति लोग गर्मियों के दिन में उस ऊंचे काम के लिए नीचा काम छोड़ते हैं। 10 करोड़ कमाना 20 करोड़ कमाना ये ऊंचा काम नहीं है हमारे यहाँ, ये नीचा काम है, इसको नीचा माना गया है, ये अच्छा नहीं है, हमारे धर्म में भी नहीं है, सभ्यता में भी नहीं। तो कई करोड़पतियों ने मुझे उत्तर दिया कि राजीव भाई थोड़े दिन के लिए हम नीचा काम छोड़कर ऊंचे काम में लगते हैं ताकि हमें अगली दुनिया जो हमारी मोक्ष की दुनिया या इस जन्म के बाद की दुनिया में भी इज्जत से सम्मान से टिकने का रास्ता मिले। लेकिन जो पानी पिलाने वाले लोग हैं उनको मैंने बराबर देखा है, जिनको थोड़ा भी ध्यान है वो हमेशा कोशिशें करते हैं कि पीने वाला झुके और तब वो पिलाए। आज एक बोतल की व्यवस्था जो आई है इसमें गड़बड़ी मच गई, ये जो बोतलों में पानी मिलना शुरू हुआ तो हमने झुकना बंद कर दिया, क्योंकि बोतल से पानी पीने के लिए सीधे खड़े होकर गटागट उतारते हैं, ये सबसे नुकसान का काम हम खुद करते हैं। जानवर और पक्षी अभी भी बहुत अच्छे हैं, बोतल से पानी नहीं पीते, वो अपने ही तरीके से पानी पीते हैं, जैसी प्रकृति ने व्यवस्था उनके लिए बनाई है वैसे ही पीते हैं। 21वीं शताब्दी में हम पहुंच गए हैं लेकिन कोई कुत्ता अभी तक 21वीं शताब्दी में नहीं पहुंचा, कोई चिड़िया नहीं पहुंची, कोई बंदर नहीं पहुंचा,
मगरमच्छ नहीं पहुंचा, वो सब अभी अपनी ही दुनिया में है। ये आदमी के लिए पता नहीं सिद्धू कहां से दिमाग में घुस गया है। हम 21वीं शताब्दी में है, इसके बोध से पानी पिए तो समस्या भी उतनी ही है। इसलिए मेरा आपको एक ही कहने का छोटा सा निवेदन है कि आप पानी पीने का नियम हमेशा याद रखें। एक तो बैठ के पानी पीने का नियम है, दूसरा पानी को घूट घूट पीने का नियम है, कभी मजबूरी की स्थिति आ जाए तो आगे झुककर पानी पीने का नियम। ये आगे झुककर पानी पीना कितना वैज्ञानिक है, जब आप हाथ लगाते हैं मुंह से, हाथ आपने मुंह से लगाया और पानी हाथ में गिरता है फिर मुंह में होके जाता है, तो अंत में होता क्या है, आप अगर ध्यान देंगे, अगर हाथ लगा के पानी पी रहे हैं तो सारा पानी तलवे को छूता हुआ अंदर जाता है। तलवा है, इसको छूकर अंदर जाता है। और शास्त्र में कहा गया है कि पानी को अंदर जाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति वही मानी जाती है कि वो तलवे को छूते हुए अंदर जाए। इसलिए ये इस तरह से हाथ लगा के पानी पीने का नियम है। अब आप थोड़ा 50-60 साल का भारत थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 50-60 साल पहले के भारत की बात करिए, मनोहरलाल जी के समय के भारत की बात करिए, ये कभी मेरी तरह जवान रहे होंगे उस समय के भारत की बात करिए और इनसे पूछिए 100 में से 99 लोग ऐसे ही पानी पी रहे हैं, 100 में से 99, चाहे वो घनश्याम दास बिरला हो और चाहे रुईया हो, जिनके हजारों करोड़ के एम्पायर है ना, वो भी ऐसे ही पानी पीते हैं। तो ये जो बात है वो ज्ञान की बात हमारे यहाँ आई, आचरण में हजारों साल को चल गई, शायद उस जमाने का भारत बहुत स्वस्थ था आज की तुलना में, जब डॉक्टर कम थे, दवाएं बिल्कुल नहीं थी, वैद्य होते थे लेकिन दवाएं ज्यादा नहीं दिया करते थे, वो तो सिखा देते ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये पथ्य कर लो, ये पथ्य कर लो। उस जमाने में हम ज्यादा स्वस्थ थे, आज डॉक्टर बहुत ज्यादा है, दवाएं उससे भी ज्यादा है, हॉस्पिटल उससे भी ज्यादा है, तो हम ज्यादा बीमार हैं। कारण एक ही है कि हमने डॉक्टरों पे ध्यान दिया बीमारियों के लिए, दवाओं पे ध्यान दिया बीमारियों के लिए, लेकिन बीमारी ना आए वो ज्ञान हमने छोड़ दिया, जो परंपरा से मिला था, हमारे दादा परदादा, दादा के दादा, दादा के परदादा, उनसे जो ज्ञान मिला था वो छूट गया, उसी में हम फंस गए। उस ज्ञान को फिर से जोड़ने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि दादा परदादा का दिया हुआ ज्ञान कोई साधारण नहीं था, वो शास्त्रीय ज्ञान था। बस अंतर इतना ही है कि सरल शब्दों में आपको वो दिया गया था, शास्त्रों में थोड़े क्लिष्ट शब्दों में वो है। हमारे दादा परदादा सरल भाषा में वो ज्ञान को समझाया करते थे, शास्त्रों में वो प्राकृत में है या संस्कृत में है, सबको प्राकृत आती नहीं, सबको संस्कृत आती नहीं, तो जो प्राकृत और संस्कृत के ज्ञानी है वो तो ले लेते थे उस ज्ञान को, लेकिन साधारण व्यक्ति को सरल भाषा में समझाते थे। तो हमारे दादा परदादा कहते थे बैठ के पानी पी, खड़े होके क्यों पी। बस अंतर इतना है कि वो बोलते थे बैठ के पानी पी, हम उनसे कभी पूछे क्यों तो उसका वो ज्यादा लंबा उत्तर नहीं देते थे, वो कहते थे मेरे दादाजी ने कहा या मेरे पिताजी ने कहा या मेरी दादी ने कहा, इस तरह से वो बात को बढ़ाते थे। हम थोड़े से पिछले 50-60 वर्षों में दिमाग से लॉजिकल हो गए, लॉजिकल माने हर बात को क्या क्यों कैसे में तोलना हमने शुरू कर दिया, और हमारी नई पीढ़ी तो हमसे भी ज्यादा लॉजिकल हो गई, तो उसको जब तक क्या क्यों कैसे में कन्विंसिंग नहीं करते आप, तब तक वो मानती नहीं कि इसमें कुछ दम। ये है समस्या। ज्ञान तो ये सारा मैं जो कह रहा हूँ वो सब वही है जो अपने पुरखों के पास है, दादा दादी नाना नानी के पास है। बस इसमें इतना ही है कि मेरे जैसा आदमी इसमें लॉजिक लगा के आज के समय की भाषा में समझाने की कोशिश करता है, बाकी तो ये सब है। तो हम फिर से याद करें इस बात को कि पानी हमेशा घूट घूट पिए, हमेशा पानी बैठ के पिए, मजबूरी की स्थिति कभी आ जाए तो सामने झुककर ऐसी स्थिति में पानी पिए कि तलवे से छूता हुआ पानी अंदर जाए। क्लियर है, स्पष्ट हुआ?